नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। कोरोना वायरस संक्रमण का कहर उत्तर प्रदेश में भी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में यूपी में कोरोना के 33,574 नए मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं 249 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार कोरोना के फर्जी आंकड़े पेश कर रही है। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि बीजेपी सरकार को सत्ता का दंभ छोड़कर एक परिवार की तरह सोचना चाहिए और उसे तत्काल कोरोना पीड़ितों के घरों पर भी ऑक्सीजन का इंतजाम करना चाहिए। वैक्सीन टीके के दामों में एकरूपता हो और देश भर में तुरंत और मुफ्त टीकाकरण की व्यवस्था हो। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से कोरोना संक्रमण के दौर में लोगों की हर संभव मदद करने की भी अपील की है। अखिलेश यादव ने कहा कि एक तरफ तो सरकार मृतकों की संख्या कम दिखा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शमशान में चिताएं बुझने का नाम नहीं ले रही। ऑक्सीजन बेड दवा नहीं मिलने से सांसों का आपातकाल है। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी जी के बयान जो हो, बीजेपी विधायक और सांसद तक हालात से परेशान होकर अब धरने की चेतावनी दे रहे हैं। ये सरकार की नाकामी नहीं तो और क्या है। अखिलेश यादव ने कहा कि कालाबाजारियों पर लगाम लगाने में सरकार विफल रही है। संक्रमितों के इलाज के लिए जिन अस्पतालों और डॉक्टरों के नाम और टेलीफोन नंबर बीजेपी सरकार जारी कर रही है, वो ज़्यादातर फर्जी निकल रहे हैं। इसी झूठ के सहारे मुख्यमंत्री जी अपनी कमियां छुपा रहे हैं, जबकि ज़मीनी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के इतिहास में ऐसी असंवेदनशील सरकार कभी नहीं आई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।